एस्ट्रो में शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कन्या राशि वालों के लिए गुरुदेव का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। गुरुदेव मतलब बृहस्पति देव, सब ग्रहों के गुरु, उन्हीं का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि से गोचर करेंगे और 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही रहेंगे। ये शुभ ग्रह है, शुभ मांगलिक ग्रह है, सारे मांगलिक कार्य गुरुदेव ही करते हैं। इंसान जो कुछ भी चाहता है अपने जीवन में, उसके कारक ग्रह गुरुदेव ही है। गुरुदेव 13 महीने आपके मेष राशि से गोचर करने जा रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसी की चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए गुरु आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है कुंडली का, और वहां ऑलरेडी राहु विराजमान है जो 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। गुरु राहु का चंडाल योग बन रहा। अगर गुड़ विद्या लेना चाहते हैं, कई रिसर्च फील्ड में आप अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत अच्छा समय है। ससुराल से आपकी बनेगी, लेकिन कोई षड्यंत्र आपके पीछे रह सकता है, इसके लिए आप सावधान रहें। कोई दुश्मन आपके षड्यंत्र कर सकते हैं, इससे आप बचें। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है, और द्वादश भाव खर्च का होता है, विदेश का होता है। खर्च आपके बढ़ेंगे ये 13 महीने। कुछ मांगलिक कार्यों में होगा, आप भूमि वाहन अगर लेना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बहुत बड़ा, तो पहले तो अपनी कुंडली का विवेचन करा लें किसी अच्छे ज्योतिष से, तब आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आपके खर्च बढ़ेंगे, आप विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने की पूर्ण संभावना है, योग्य है। अगर आप एमएनसी कंपनी में प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की पूरी चांस है। विदेश से आपका कोई कारोबार है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, और द्वितीय भाव आपके धन कुटुंब और वाणी का होता है, आपका व्यवहार का होता है। थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें, बोलने से पहले थोड़ा सोच विचार कर तब आपने बोले, नहीं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं, अनबन हो सकती है, आपका इमेज खराब हो सकता है, आपका रिपुटेशन गिर सकता है, दुश्मन आप पर हावी हो सकते हैं। धन का आगमन होगा, धन अच्छे आएंगे और कुटुंब का साथ भी मिलेगा। उनकी 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, और चतुर्थ भाव आपका माता भूमि वाहन का होता है। थोड़ा सा मां का ख्याल करें, क्योंकि गुरु अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ और सप्तम के स्वामी अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो माता और अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दें, उन पर पूरा केयर करें, किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरते। आपका कैरियर की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा समय है। 30 अक्टूबर 2023 तक गुरु के साथ राहु विराजमान है, जो आपकी सुविधा में कमी राहु करेंगे,
पैर खींचेंगे, गुरु आगे बढ़ाना चाहेंगे और तो राहु आपका पैर पीछे क्यों खींचना चाहेंगे। तो राहु की असुविधा को कम करने के लिए संध्या काल में रोज ओम रांग राहुवे नमः का 108 बार जाप करें। मोर पंख अगर आप जहां सोते हैं तकिया के नीचे रखें, उससे राहु की असुविधा में कमी देखने को मिलेगी। गुरु की सुविधा को बढ़ाने के लिए आप श्री गुरुवे नमः का रोज 108 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर रोज पाठ कर सकते हैं तो अच्छी है, नहीं तो कम से कम सुने, मतलब भगवान विष्णु की पूजा करें। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें, पीला चीज पहने, हो सके तो बेडशीट आप पीला ही रखें, हल्दी का तिलक लगाएं, जिससे गुरु की सुविधा में बढ़ोतरी होगी, अच्छे फल देंगे, ज्यादा फल देंगे। इस तरह से कन्या राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन के वक्तव्य पर मैं विराम लगाता हूं। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। कोई भी वीडियो आपको बने तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके और आप ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ मैं कन्या राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन के वक्तव्य पर विराम लगाता हूं। धन्यवाद।